नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले एक से दो दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता के बारे में और जानकारी देंगे पर्यटन स्थल की क्या रहेगी पूर्वानुमान। सबसे पहले नजर बड़ी खबरों पर, मौसम से जुड़ी जो बड़ी खबरें हैं सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। उत्तरी राजस्थान की बात करें तो यहां पर तापमान अगले एक से दो दिनों में गिर सकता है, शीतलहर चल सकती है। इसके बाद असम की बात करें तो यहां भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इक्का दुक्का जगहों पर घना कोहरा छा सकता है, विजिबिलिटी घट सकती है। इसी तरह मेघालय की बात करें तो यहां भी छुटपुट इलाकों में घना कोहरा छा सकता है अगले एक से दो दिनों में। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं तमिलनाडु की, तो यहां भी गिने चुने स्थानों में होगी मूसलाधार बारिश, यानी एक तरह की चेतावनी है, काफी तेज बारिश अगले 24 घंटे में यहां हो सकती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं, तो यहां पर किसानों को सावधान रहने की जरूरत है। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो आप देख सकते हैं पूरा हमारे सामने मैप है जिसमें हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अलग अलग आप इसमें रंग देख सकते हैं जिसके अनुसार आपको पता चलेगा कि दरअसल स्थिति क्या रहने वाली है अगले दो दिनों में। खासतौर पर जो लाल हिस्से हैं वो चेतावनी है। अगर आप पीले हिस्से देखें तो ये देखिए वो इलाके हैं जहां पर नजर बनाने की जरूरत है, यानी यहां पर स्थिति रह सकती है कि आपको नजर रखने की जरूरत है। बारिश हो सकती है अगले दो दिनों में। और खासतौर पर अगर दक्षिण के राज्यों की बात करें तो यहां पर तमिलनाडु, इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश हो सकती है, और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बारिश की स्थिति बनती नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान में भी अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें खासतौर पर आप पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 25% हिस्सों में बारिश हो सकती है। नीचे आए हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 25% हिस्सों में बारिश हो सकती है। लेकिन उत्तर भारत के जो राज्य हैं जहां पर खासतौर पर आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं, उत्तराखंड में भी बारिश की उम्मीद अगले दो दिनों के दौरान नहीं है। तो ये तो बात हुई कि इन कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बारिश नहीं होगी। और पूर्वोत्तर के राज्यों की भी बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं नीले रंग में जो क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं वो ये इलाके हैं जहां पर बारिश हो सकती है। ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये वो इलाके हैं। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बारिश हो सकती है। 25% यहां पर इलाके ऐसे जहां पर बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर आप तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर लगभग आप कह सकते हैं पूरे क्षेत्र में, क्योंकि 50 से 75% क्षेत्र में बारिश हो सकती है। आप हरे रंग में देख सकते हैं जहां पर 25 से 50% क्षेत्र हैं जिनमें खासतौर पर भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश आते हैं जहां पर बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की, यहां पर 25% ऐसे क्षेत्र रहेंगे अगले दो दिनों में जहां पर बारिश हो सकती है। और जितना आप पूरा क्षेत्र देख रहे हैं जिसमें ज्यादातर हमारे राज्य हैं जहां पर अगले 24 घंटे में बारिश की उम्मीद नहीं है, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, ये तमाम इलाके हैं राज्य जहां पर बारिश नहीं होगी। चलिए बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसी रही मौसम की स्थिति। इसमें खासतौर पर आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। यहां पर ठंडक भी महसूस की गई है। वहीं आप देख सकते हैं गांगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश दर्ज की गई। अगर हम दक्षिण राज्यों की बात करें तो यहां पर तमिलनाडु, केरल, इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। यहां पर बादल छाए रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अन्य राज्यों की, जहां पर बारिश की स्थिति कैसी रही उस पर आई डालते हैं नजर। अभी हमने दक्षिण के राज्यों के बारे में बात की जहां पर आपने देखा कि बारिश पिछले 24 घंटों में यहां पर दर्ज की गई है। और इसी के साथ यहां वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे तापमान की। बने रहे हमारे साथ, छोटा सा ब्रेक। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ।
आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब नजर डालते हैं तापमान पर। सबसे पहले नजर न्यूनतम तापमान पर। तो न्यूनतम तापमान की बात करते हैं कि आपके राज्य में कैसा रहा तापमान, और विशेष तौर पर अगर हम बात करें तापमान के हाल की तो उसमें हम देश के अलग अलग हिस्सों की बात करते हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं कि बिहार में किस तरह की तापमान की स्थिति रही। आपको बता दें कि न्यूनतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री कम रहा इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश के विदर्भ की सौराष्ट्र की, तो न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो सामान्य से 5 डिग्री अधिक यहां पर दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों में। इसके साथ ही अगर हम दक्षिण भारत का रुख करते हैं, यहां पर तटीय आंध्र प्रदेश में 3 से 5 डिग्री ज्यादा, यानी न्यूनतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री यहां पर तापमान तेज रहा। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, गुजरात की बात करते हैं, यहां पर 3 से 5 डिग्री न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। तो ये वो राज्य जहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वहीं अगर हम बात करें रायलसीमा की, तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहां पर तापमान 1 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान की बात करें सामान्य से अधिक इन इलाकों में, इन राज्यों में दर्ज किया गया है। तो बात करें हम न्यूनतम तापमान की, जिसमें अभी हमने जानकारी दी तटीय आंध्र प्रदेश के बारे में। वहीं अगर हम बात करें मध्य महाराष्ट्र की, तो यहां भी 1 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान में तेजी देखी गई, ज्यादा रहा तापमान। मध्य महाराष्ट्र की हम बात करें तो यहां भी जो आमतौर पर मौसम, उससे थोड़ा यहां पर तेजी महसूस की गई तापमान में। और अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के चुरू में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये तो बात रही न्यूनतम की। और आइए बात करते हैं अधिकतम तापमान की, जिसमें तेलंगाना और तमिलनाडु की बात करें तो 3 से 5 डिग्री ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया, यानी सामान्य तौर पर जितना रहता है उसे 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 1 से 3 डिग्री तापमान ज्यादा दर्ज किया गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम अब रुक करें जो पूर्वोत्तर राज्य है उसमें असम की विशेष तौर पर अगर हम रुक करें, तो यहां पर 1 से 3 डिग्री यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, सामान्य से 1 से 3 डिग्री यहां पर अधिक रहा। और इसके अलावा हम बात करेंगे किस तरीके से अलग अलग क्षेत्र हैं, उनमें भीतरी उत्तरी कर्नाटक और भीतरी दक्षिणी कर्नाटक में भी 1 से 3 डिग्री ज्यादा तापमान सामान्य से अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया। और आइए रुक करते हैं पहाड़ी इलाकों की, जिनमें हम विशेष तौर पर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहां पर 3 से 5 डिग्री कम तापमान, अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई। केरल की बात करें तो यहां भी 1 से 3 डिग्री कम रहा जो अधिकतम तापमान है, उसमें 1 से 3 डिग्री की कमी हमने दर्ज की। वहीं अगर नजर डालें पूर्वी राजस्थान की, तो यहां पर 1 से 3 डिग्री तापमान कम रहा, अधिकतम तापमान में हम 1 से 3 डिग्री की यहां पर कमी देख रहे हैं पिछले 24 घंटों में। तो ये तो बात रही पूर्वी राजस्थान की। और वहीं अगर हम बात करें कि अधिकतम तापमान, ये सबसे ज्यादा तापमान कहां पर दर्ज किया गया, तो ये था अलकपुष्पा, जहां पर सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। और आइए हम नजर डालते हैं देश के अलग अलग राज्यों में कैसा रहा तापमान। देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान का हाल। इसी के साथ यहां वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वायु गुणवत्ता की। कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी, जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुँह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वर्ग
सच्ची जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और चलिए बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी आपके इलाके में, आपके शहर में कैसी रही वायु गुणवत्ता। तो वायु गुणवत्ता पर नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर आप देख सकते हैं जो एरो है वो 234 पर है, चिंताजनक स्थिति है। हालांकि कल से स्थिति यहां पर बेहतर हुई है। लखनऊ की बात करें तो यहां भी आप देख सकते हैं जो आंकड़ा है वो 220 है, वायु गुणवत्ता सूचकांक की हम बात कर रहे हैं। पटना में भी चिंताजनक स्थिति है, आप देख सकते हैं 285 यहां पर वायु गुणवत्ता है, यानी यहां पर भी आप लगातार स्थिति बिगड़ती देख रहे हैं। बेंगलुरु की बात करें तो यहां पर स्थिति बेहतर है, अच्छी है, 102 है वायु गुणवत्ता। इसके अलावा पुणे में भी आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक संतोषजनक है, लेकिन यहां भी सुधार की उम्मीद कर सकते हैं, 154 है यहां पर वायु गुणवत्ता। हैदराबाद की बात करें तो यहां 111 है, यानी ठीक ठाक स्थिति, संतोषजनक इसे कहा जा सकता है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में स्थिति सुधरी है, यहां पर 33 है वायु गुणवत्ता, यानी बेहतर हुई है कल से कोलकाता की स्थिति। इसके अलावा आइए बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी अगर आप छुट्टियों पर जाने की सोच रहे हैं तो पहले हमारा पर्यटन पूर्वानुमान देख लीजिए। तवांग की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आपको बता दें कि अगले 4 दिनों में बर्फबारी हो सकती है, बादल छाए रह सकते हैं, तापमान में गिरावट हो सकती है। आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान जो है -1 से जा रहा है और अधिकतम 9 डिग्री सेल्सियस है, और अगले 2 दिनों में तापमान और गिर रहा है, यानी यहां पर अगले 4 दिनों में काफी ठंड हो सकती है। तो उसी के अनुसार ही अपनी आप योजना बनाए, अपनी प्लानिंग करें। और आइए बिहार के बोधगया की बात करते हैं तो यहां पर कमोबेश एक ही जैसे ही आपको तापमान देखने को मिलेगा अगले 4 दिनों में। अगर हम गुरुवार की बात करें तो अधिकतम 26 डिग्री और न्यूनतम 14 है, और इसके बाद थोड़ी सी तापमान में आप गिरावट देख सकते हैं न्यूनतम तापमान में। और शनिवार की स्थिति आप देख सकते हैं उसमें 1 डिग्री और गिरावट है न्यूनतम तापमान में। रविवार को 11 डिग्री आप देख सकते हैं, यानी 1 डिग्री और गिरावट है, लेकिन कमोबेश चारों दिनों में तापमान लगभग एक जैसा ही है। तो यहां पर भी कुछ खास बदलाव देखने की उम्मीद नहीं है। कुरुक्षेत्र की बात करें, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की, तो अगले 3 दिनों में स्थिति काफी सामान्य है, यहां पर खिली हुई धूप रहेगी। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें रविवार की तो उस दिन आपको बादलों की आंख मिचोली देखने को मिल सकती है। मनाली घूमने की सोच रहे हैं, यानी ठंडक वाले माहौल में जाना चाहते हो तो यहां भी आप सतर्क रहे। केरल की बात करें कन्नूर की, तो यहां पर अगले 4 दिनों में देख सकते हैं कि तो तापमान है लगभग एक जैसा ही है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां भी बादलों की आंख मिचोली, यानी बीच बीच में हो सकता है धूप के दर्शन आपको हो जाए। इसी तरह की स्थिति अगले 4 दिनों में केरल के कन्नूर की बात करें तो यहां पर बनी रहेगी। तो आप हमारा पर्यटन पूर्वानुमान देखकर जाएं, उसी के अनुसार ही अपनी तैयारी करें कि अगले 4 दिन यहां पर मौसम की कैसी स्थिति रहने वाली है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जाना चाहते हैं तो यहां भी आप देख सकते हैं अगले 4 दिन काफी बेहतर है। अगर हम गुरुवार और शुक्रवार की बात करें तो यहां पर खिली हुई धूप रहेगी, लेकिन आगे के 2 दिन जो है वहां पर थोड़ी सी आपको धूप हो सकता है कम देखने को मिले, क्योंकि बादल छाए रह सकते हैं और जो बादलों की आंख चोली है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो अगले 2 दिनों में फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन उसके बाद जो अगले 2 दिन है उस वक्त थोड़ा सा मौसम में बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की, अजमेर की, तो 4 दिन यहां पर काफी अच्छे हैं। आप देख सकते हैं कि खिली हुई धूप अगले 4 दिनों में यहां पर रहने वाली है, गुरुवार से रविवार, यानी अगर आप वीकेंड में जाना चाहते हैं, छुट्टियां मनाना चाहते हैं, तो उसके अनुसार ये तापमान बहुत खुशनुमा रहेगा आपके लिए, बेहतर ये विकल्प हो सकता है। अगले 4 दिन यहां पर काफी बेहतर रहेंगे तापमान के अनुसार, और अच्छी खिली हुई धूप भी रहेगी। और अगर आप लद्दाख जाना चाहते हैं तो यहां के लिए आपको बता दें कि यहां पर बहुत ठंड है इस वक्त। अगर गुरुवार शुक्रवार की बात करें तो -11 डिग्री तक जा रहा है तापमान, अधिकतम तापमान 2 डिग्री है, और अगले 2 दिनों में यहां पर बादल छाए रह सकते हैं, बीच बीच में धूप दिख सकती है, लेकिन उसके बाद के जो 2 दिन है ठंड में अगर बात करें तो ज्यादा इजाफा नहीं है, लेकिन मौसम उतना साफ नहीं रहेगा।
और तभी बात की हमने कि किस तरीके से मौसम पर्यटन पूर्वानुमान देखना आपके लिए जरूरी है कि उसी के अनुसार आप अपनी योजना बना सके कि क्या आपको करना है ताकि आप किसी तरह की विपरीत स्थिति में ना फंसे, और इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी योजना बना सकते हैं और उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं किसानों के लिए। जी हाँ, बात करते हैं खेती किसानी की। अगर हमारे किसान मौसम के मिजाज पर नजर रखते हैं तो अपनी खेती किसानी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आज विशेष तौर से बात करेंगे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, साथ ही मध्य प्रदेश के किसानों को भी देंगे खेती किसानी में सलाह। मध्य प्रदेश में गेहूं की बुआई करें, गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं, गेहूं के खेत से खरपतवार भी निकालें। किसान काबुली चने की बुआई कर सकते हैं, काबुली चने के खेत से घास फूस निकाल लें, साथ ही मूंग भी बोएं, मूंग के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। यहाँ तिल के खेत से घास फूस निकाल लें, तिल के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा गन्ने की बुआई के लिए समय उचित है। मध्य प्रदेश में सरसों के खेत से खरपतवार निकाल लें, सरसों के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अभी बैंगन के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। छत्तीसगढ़ में धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं, वहीं सरसों के खेत में निराई कर लें। इसके साथ ही मटर के खेत में निराई करते रहें, मटर के खेत में सिंचाई भी कर लें। यहाँ के किसान मूंग के खेत में निराई कर सकते हैं, मूंग के खेत में सिंचाई भी करें, मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। छत्तीसगढ़ में टमाटर के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, साथ ही टमाटर की रुपाई करें, वहाँ भिंडी के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। इस समय बैंगन की रुपाई भी करते रहें, कहीं फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई कर लें। छत्तीसगढ़ में मक्के के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे बेबी कॉर्न के बारे में, जो कि मक्का की ही एक अवस्था है। बेबी कॉर्न की बात करें तो शहरों में काफी लोकप्रिय हो रही है और लगातार इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। हमारे किसान इसकी फसल चारे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हमारे पशुपालकों के लिए भी अच्छा विकल्प है। तो अगर आप भी बेबी कॉर्न की खेती करना चाहते हैं तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हो। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में एक हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में एक हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए एक हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। एक हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। एक हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है।
एक हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको जानकारी दी बेबी कॉर्न के बारे में और आपको बताया कि कैसे हमारे किसान इससे लाभ ले सकते हैं, कैसे इसकी खेती कर सकते हैं। और चलिए अब चलते चलते आपको बताते हैं कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको यह है कि इस QR कोड को आप स्कैन करें और जुड़ जाएं डीडी किसान के YouTube चैनल से, जहां आप हमारे अन्य कार्यक्रम भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मनपसंद कार्यक्रम लाइक भी करें। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।